अब मैं आपको बताता हूं कि भगवान कैसे मिलते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ करने से क्या भगवान मिल जाते हैं? यदि मिल जाते हैं तो चलो कर लेते हैं हम बहुत बड़ा यज्ञ। कुछ पंडित जी जंगल में यज्ञ कर रहे थे, वेद पाठी ब्राह्मण। कम से कम उन्होंने कितने यज्ञ कर लिए उन्हें पता नहीं। एक दिन भगवान ब्रजवासियों के साथ गैया चराने जंगल में गए। वहां पर भगवान को बड़ी भूख लगी, तो भगवान को लगा ये पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं, चलो इनसे कुछ मांगते हैं। तो पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण गए और याचना करने लगे, पंडित जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पंडित जी बोले, अभी भोग नहीं लगा, बिना भोग लगे तुम्हें कैसे दे दें? देखो बिना भोग लगे कैसे, ये हवन कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और जिसका स्वाहा कर रहे हैं वही खड़ा है और कह रहे हैं कि भोग लगा के देंगे, पता नहीं किसका भोग लगाएंगे। अब पंडित जी, अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो यज्ञ वेदी बनी थी, वहां पर रखा था पकवान ढेर सारा, तो बच्चे हैं, जाकर छिप करके चुराने लगे। अब पंडित जी ने जो लाठी उठाई और जो दौड़े, सारे बच्चे भागे, भगवान भी भाग रहे हैं। अब वो पंडित जी यज्ञ में थे तो बोल नहीं सकते थे, पर वो डांट रहे थे, हुँ, हुँ, हुँ। इस प्रकार वो अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे थे। अब ब्रजवासी बोले, देखो कन्हैया, पंडित जी के हाथ से तो कुछ मिलने से रहा नहीं, आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। भगवान बोले, कोई बात नहीं, पंडित जी नहीं है तो पंडितानी तो है। तो पंडित जी की पंडितानी कुटिया बनाकर वहां पर पंडित जी लोग जंगल में रहा करते थे। तो पंडित जी तो यज्ञशाला में थे, पंडितानी लोग घर पे थी। तो सारे ब्रजवासी बछड़ों को लेकर, कन्हैया को लेकर और पंडितानियों के घर चले गए और भिक्षा मांगने लगे, मैया भिक्षाम देही, हमें कुछ खाने को दो। अब पंडितानियों ने देखा, आहा हा हा, कितना सुंदर बालक है, संसार का कोई बालक इतना सुंदर नहीं हो सकता, ये तो भगवान ही है, भगवान ही इतना सुंदर हो सकता है, कोई इतना सुंदर नहीं हो सकता। अब तो उन पंडितानियों के अंदर ऐसा भाव जागा कि यही भगवान है, और बालक तो भगवान ही होता है। अब पंडितानियों ने अपनी गोद में कन्हैया को बिठा लिया और अपने हाथ से बना बना कर खीर खिला रही हैं, रबड़ी खिला रही है, पूड़ी खिला रही हैं, हलवा खिला रही हैं और कन्हैया की बलैया ले रही हैं, चुम्बन कर रही हैं, हृदय से लगा रही हैं। यज्ञ करते करते जिंदगी गुजर गई, उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और घर में झाड़ू लगाने वाली पंडितानियों को सहज में भगवान का दर्शन हो गया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाता है, उसकी कृपा स्वतंत्र है, कब उसकी कृपा हो जाए, किस पर हो जाए, ये केवल वही जानता है, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता। भगवान का दर्शन किसी काबिलियत से होता तो चलो हम वो काबिलियत प्राप्त कर लेते, लेकिन भक्तों, मेरे कृष्ण का दर्शन हमारी काबिलियत से नहीं, वो कृपा करेगा तो ही दर्शन संभव है, अर्थात नहीं तो संभव ही नहीं। यज्ञ पत्नियों पर अब पंडित जी, अब पंडित जी पंडितानी खिला रही थी, अब पंडित जी यज्ञशाला से, झूठा कर रही हो तुम भोग लगाने के लिए। अब पंडित जी यज्ञशाले से पंडितानी को खबर ले, तभी आता हूं लाठी लेके, रुक जा। अब पंडितानी बोली, तुम मारो जो करो कर लो, पर भगवान आए हैं तो आज तो भोजन कराऊंगी। अब पंडितानियों ने पंडित जी की तरफ घूंघट कर लिया, देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, और प्रेम से पंडित जी पंडितानी ने भरपेट खिलाया, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान गए। अब पंडित जी आए, और जब पंडित जी आए तो उनके अज्ञान का पर्दा हटा और भगवान के बारे में उन्होंने देखा,
पहचाना। अब उनको लगा कि हमने गलती कर दी। अब उनको समझ में आया कि हमने तो भगवान को ही ठुकरा दिया, हमारा इतना यज्ञ करना बेकार हो गया। यज्ञ तो हम करते थे पर हमारे अंदर उस कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था, इसलिए दर पे आए उस भगवान को भी हम पहचान ना सके क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं था। और जिन पत्नियों के अंदर प्रेम था उन्होंने गोद में बिठाकर खिलाया। तो भगवान पूजा पाठ यज्ञ विधि विधान से नहीं मिलता, भगवान सच्चे प्रेम से मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा।